हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आप लोगों को रेशियो का वीडियो कैसा लग रहा है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। आज हम लोग रेशियो चैप्टर का पार्ट 8 देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग 3 टाइप का क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसलिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा, बहुत लाभदायक होगा आपको। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दो व्यक्तियों की मासिक आय 4:5 में तथा उनकी मासिक बचत 7:9 में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपया खर्च करता है तो प्रत्येक की मासिक आय क्या है? देखिए, इसके जानने के लिए पहले आय, खर्च और बचत में रिलेशन समझिए। कह सकते हैं कि आय बराबर क्या हो सकता है? आय बराबर लगा सकते हैं खर्च। खर्च यानी क्या? व्यय। तो खर्च प्लस बचत यानी आय बराबर बोल सकते हैं कि खर्च प्लस बचत को जोड़ेंगे क्या निकलेगा? आय। यानी किसी व्यक्ति का आय जानना हो तो खर्च और बचत को जोड़ देंगे, क्या निकलेगा? आय। अब कह सकते हैं खर्च बराबर क्या? तो आय माइनस बचत, और बचत बराबर क्या? तो आय माइनस खर्च। यानी इससे दो और फॉर्मूला निकल सकता है, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला था दो व्यक्तियों की मासिक आय 4:5, तो मान लीजिए पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, इसका आय का रेशियो दिया है। क्या दिया है? आय का रेशियो कितना है? 4:5, ठीक है। अब वह उसका बचत 7:9 है, तो बचत का रेशियो दिया है। बचत का रेशियो क्या दिया है? 7:9 का रेशियो। देखिए यहां पर भी मासिक है, यहां मासिक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब करा प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपया खर्च करता है, तो खर्च क्या निकलेगा? तो खर्च बराबर हो सकता है आय माइनस बचत। देखिए पहला व्यक्ति का आय में से बचत घटाएंगे तो खर्च, दूसरा व्यक्ति के आय में से बचत को घटाएंगे तो निकलेगा खर्च। अब बोला प्रत्येक यानी दोनों 50 रुपया खर्च करता है, यानी पहला व्यक्ति भी 50 रुपया का और दूसरा व्यक्ति 50 रुपया का। तो देखिए खर्च दोनों का समान, तो रेशियो में दोनों का खर्च समान कीजिए, तो आय में से बचत घटाना है तो समान आना चाहिए दोनों का रेशियो। देखिए समान करने के लिए क्या करना है? नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में गुना, बताइए 7 और 9 का अंतर कितना का? 2 का, तो इसमें 2 से गुना कीजिए, और ऊपर वाला दोनों का अंतर नीचे में गुना, तो 5 और 4 का अंतर कितना? 1, 1 से गुना। तो देखिए यहां से आ जाएगा 2 से गुना कीजिएगा तो 4 × 8 और 5 × 10, और इसमें 1 से गुना कीजिएगा तो वही रह जाएगा 7:9। बताइए पहला व्यक्ति का आय 8 और उसका बचत कितना? 7, तो बताइए खर्च कितना किया होगा? तो 8 अगर कमाया है और 7 बचत किया है, यानी खर्च कितना किया होगा? तो अनुपात 1। दूसरा व्यक्ति का भी देखिए, 10 कमाया है और 9 बचत किया है, यानी खर्च कितना किया? अनुपात 1। यानी दोनों का खर्च अनुपात में कितना? अनुपात 1 का, यानी प्रत्येक व्यक्ति का अनुपात में खर्च कितना का? 1 का, यानी रुपया में कितना का? 50 का। तो कह सकते हैं अनुपात 1 = 50 रुपया, ठीक है। अनुपात 1 = 50 रुपया करा है। प्रत्येक की मासिक आय कितना? तो पहला का आय कितना है? पहला का आय कितना है? 8। अनुपात 8 = कितना हो जाएगा? ठीक है, अनुपात 8 = कितना हो जाएगा? तो 8 × 50 यानी 8 × 5 = 40, 400 रुपया पहला व्यक्ति का आय निकला। अगर दूसरा व्यक्ति का आय निकालना हो तो दूसरा व्यक्ति का आय कितना है? अनुपात 10। अनुपात 10 = कितना हो जाएगा? अनुपात 10 = कितना हो जाएगा? अनुपात 1 / 50, तो 10 / कितना? 500। यानी पहला व्यक्ति का आय 400 रुपया और दूसरा व्यक्ति का आय 500 रुपया, कौन सा ऑप्शन जाएगा? ए नंबर। कौन सा ऑप्शन? ए नंबर, ठीक है। देखिए फिर से समझिए क्वेश्चन को, कहा कि अगर एक क्वेश्चन को समझिए तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन सही बन जाएंगे, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को एगो समझना बहुत जरूरी है। देखिए करा दो गो व्यक्ति है, मान लीजिए पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, उसका मासिक आय का रेशियो कितना था? 4:5। इसका मतलब है कि पहला व्यक्ति एक महीना में अगर 4 कमाता होगा
तो दूसरा व्यक्ति उस महीने में कितना कमाएगा? 5। और उनकी मासिक बचत 7.9, यानी पहला व्यक्ति उस महीने में 7 का बचत करता है तो दूसरा व्यक्ति उस महीने में कितना? 9 का बचत करता है। अगर दोनों ने यानी प्रत्येक ने 50 रुपया का खर्च करता है, यानी पहला व्यक्ति भी महीने का 50 रुपया खर्च करता है और दूसरा व्यक्ति भी महीने का 50 रुपया खर्च करता है, तो कह रहा है प्रत्येक की मासिक आय कितना था, यानी पहला व्यक्ति का आय कितना, दूसरा व्यक्ति का आय कितना। देखिए यहाँ क्वेश्चन समझना है कि क्या बोला है, प्रत्येक ने 50 रुपया खर्च किया, यानी पहला व्यक्ति 50 रुपया खर्च किया और दूसरा व्यक्ति 50 रुपया खर्च किया, यानी दोनों है जो समान खर्च करता है। तो खर्च का रेशियो निकालिए, देखिए पहला व्यक्ति 4 का खर्च लेकिन बचत कितना? 7 का। दूसरा व्यक्ति 5 का खर्च लेकिन बचत कितना? 9 का। देखिए अंतर समान हो रहा है नहीं, अंतर समान करने के लिए नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में गुना और ऊपर में दोनों वाला अंतर नीचे में गुना, तो आ गया 8 और 10, यानी पहला व्यक्ति 8 कमाता है अनुपात में तो कितना? 10, और दूसरा व्यक्ति अनुपात 7 बचत करता है तो दूसरा कितना? 9। देखिए पहला का रिलेशन पहले देखिए, तो पहला अनुपात में 8 का कमाया तो बचत कितना? 7 का, यानी आय में से बचत घटेगा तो खर्च, तो 8 में से 7 घटा तो कितना? 1। अनुपात 1 क्या आया है? खर्च आया है। दूसरा को देखिए, अनुपात में 10 का इनकम लेकिन बचत कितना का? 9 का, यानी खर्च कितना का? अनुपात 1 का, यानी दोनों ने अनुपात 1 का बचत किया, यानी रुपया में कितना? 50। तो तुलना कर लीजिए, अनुपात 1 का खर्च यानी रुपया में 50, तो 1/50। अगर ये मान निकल जाता है ना तो सभी मान निकल जाएगा, इसलिए अनुपात 1 का मान निकालल कीजिए। रेशियो में अनुपात 1 का मान निकल जाता है तो अधिकतर सभी मान निकाल सकते हैं। आगे अनुपात 1/50, तो कह रहा है पहला व्यक्ति का आय कितना, तो पहला व्यक्ति का आय कितना है? अनुपात 8 है, 8 बराबर कितना? 8.5 40, यानी 400। दूसरा व्यक्ति का आय कितना है? 50 × 10, तो 500, यानी निकल गया 400 और 500, ऑप्शन ए। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 2 क्रमागत वर्षों में मेरी आय 2:3 में है और व्यय 5:9 का अनुपात है, यदि मेरी आय दूसरे वर्ष में 4500 रुपया हो और पहले वर्ष में मेरा व्यय 25,000 रुपया हो तो 2 वर्षों की कुल बचत क्या है? देखिए ये 45,000 है, क्या 45,000 करा है 2 क्रमागत वर्षों में मेरी आय, यानी अपने मान लीजिए खुद का, तो खुद का जो आय है, मेरा आय जो है 2 क्रमागत वर्ष, 2 क्रमागत मतलब क्या, लगातार 2 लगातार वर्ष, तो मान लीजिए पहला वर्ष और दूसरा वर्ष, ठीक है, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष आय का रेशियो कितना है? आय का रेशियो है 2:3 का रेशियो है, ये आय का रेशियो हुआ। और फिर बोला है व्यय 5:9 का है, एक बार व्यय का रेशियो लिखिए, यानी पहला वर्ष और दूसरा वर्ष का व्यय का रेशियो, व्यय का रेशियो कितना है? 5:9 का, ठीक है। देखिए ये आय का रेशियो, ये व्यय का रेशियो। अब बोला है यदि मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000 रुपया हो, बताइए दूसरा साल में मेरा आय कितना है? 45,000 रुपया है, बताइए। यहां से देखिए आय वाला में, आय को तुलना आय से, बताइए दूसरा वर्ष में मेरा अनुपात में आय कितना है? 3, कह सकते हैं ना, बताइए अनुपात 3 है लेकिन रुपया में कितना? 45,000, अनुपात 1/1 जाएगा, काटिएगा 15 × 45, 15,000, यानी अनुपात 2/2 कितना होगा? 15 × 30,000, कितना जाएगा? 30,000, यानी मेरी जो आय है पहला वर्ष में कितना? 30,000, और दूसरा वर्ष में तो दे दिया 45,000। अब देखिए पहले वर्ष में मेरा व्यय 25,000 है, बताइए पहले वर्ष में मेरा व्यय कितना है? अनुपात 5, तो कह सकते हैं अनुपात 5/5 25,000, अनुपात 5/5 25,000, अनुपात 1/5 तो 25 25, यानी 5,000। बताइए दूसरा साल का व्यय कितना हो जाएगा? अनुपात 9/5 9 5 45,000 निकल गया।
पहला साल का आय और दूसरा साल का आय तो 45,000 दिया है, यहां से पहला साल का व्यय दूसरा साल का व्यय कह रहा है दो वर्षों की कुल बचत क्या है, यानी दो वर्षों की कुल बचत क्या होगा निकालिए, दो वर्षों की कुल बचत, तो कुल बचत बराबर लिखिए कुल बचत, कुल बचत कितना हो जाएगा मेरा दो वर्ष में, तो बचत बराबर क्या होता है आय माइनस व्यय, बताइए पहला साल में 30,000 कमाया और बचत व्यय कितना किया है तो 25,000, 30,000 में से 25,000 का कितना बचत 5,000 का। अब पहला दूसरा साल में मेरा आय कितना है 45,000, दूसरा साल में आय कितना है 45,000, लेकिन दूसरा साल में व्यय कितना कर दिया 45,000, तो 45,000 कमाया दूसरा साल में और 45,000 खर्च कर दिया तो बचत कितना किया 0, यानी कुल मिलाकर कितना 5,000, कुल मिलाकर कितना 5,000, यानी दो साल में कुल बचत कितना हुआ है तो 5,000 रुपया का, कौन सा ऑप्शन जाएगा डी नंबर, कौन सा ऑप्शन जाएगा डी नंबर, ठीक है डी नंबर ऑप्शन डी, यानी पहला साल का आय में से पहला साल का व्यय घटाएंगे तो निकल जाएगा बचत, 30,000 में से 25,000 गया था कितना 5,000, अगर दूसरा साल के आय में से दूसरा साल का आय कितना 45,000 और दूसरा साल का व्यय कितना 45,000 तो कितना बचत 0, तो 5,000 प्लस 0 कितना हो जाएगा 5,000, यानी दो साल का कुल बचत कितना हो गया 5,000। देखिए एक बार आय के तुलना के हिसाब से पहला साल दूसरा साल का आय निकाल लिए हैं और एक बार व्यय के तुलना करके पहला साल और दूसरा साल का व्यय निकाल लिए हैं, और अब आय में से व्यय घटेगा तो बचत, फिर आय में से व्यय घटेगा तो बचत, तो कुल बचत निकल गया 5,000। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है ए बी तथा सी को 8,400 रुपया प्राप्त होते हैं, यानी ए बी सी तीनों मिलाकर कितना है 8,400 रुपया, वह इसे आपस में क्रमशः 6:8:7 के अनुपात में बांट लेते हैं, यानी 6:8:7 के रेशियो में बांट लेते हैं, उनकी बचत क्रमशः 3:2:4 का रेशियो, यानी 3:2:4 का रेशियो है, बी 400 रुपया बचाता है तो क्रमशः ए बी सी का व्यय का अनुपात क्या है, व्यय मतलब खर्च का रेशियो, तो चलिए दिया है कि 8,400 रुपया को किस में बांटता है तो 6:8:7 का रेशियो में, यानी ए बी और सी के आय का रेशियो, आय का रेशियो कितना है तो 6:8:7, बताइए अनुपात में तीनों मिलाकर कितना बांटा तो 8, 6, 14 और 7 कितना 21, अनुपात में 21, रुपया में बांटना है तो कितना बांटना है 8,400, लगाइए अनुपात 21:8,400 रुपया, अनुपात 1 कितना हो जाएगा 21:84 यानी 400 रुपया, तो निकाल सकते हैं इसको कितना हो जाएगा तो 4 × 6 = 2400, ये हो गया 2400, इसको निकालिएगा तो कितना होगा 8 × 4 यानी 3200, आई कीजिएगा तो 27,2800, यानी सभी का आय निकल गया, ए का आय 2400, बी का आय 3200 और सी का आय 2800। अब देखिए अब यहां निकालिए ए बी और सी के बचत का रेशियो, बचत कितना में है 3:2:4 का रेशियो में, लेकिन बी कितना रुपया का बचत करता है 400 का, तो बी रुपया में 400 का बचत, तो बी अनुपात में कितना का बचत 2 का, तुलना कीजिए अनुपात में बी 2 का बचत लेकिन रुपया में कितना का 400 का, अनुपात 2:400 तो अनुपात 1 कितना हो जाएगा 2×4 = 200, कह सकते हैं अनुपात 1:200 तो अनुपात 3 कितना 3×600, 2×400 और 4×800, यानी एक बार आय से तुलना करके ए बी सी का आय निकाल लिए और एक बार बचत से तुलना करके ए बी सी का बचत निकाल लिए, तो अब पूछ रहा है व्यय का रेशियो कितना, यानी ए बी और सी के व्यय का रेशियो, व्यय मतलब खर्च, व्यय मतलब क्या था खर्च, तो लगाइए ए का इनकम 2400,
जिसमें से 600 बचत किया है। बताइए, एक कमाया है 2400 रुपया और उसके पास बचा है कितना 600, यानी खर्च कितना किया होगा। तो आय में से बचत घटाइए, तो 2400 में से 600 जाएगा तो कितना जाएगा 1800, कितना 1800। उसी तरह बी का, तो बी का खर्च कितना, तो बी का इनकम है 3200 और बचत कितना किया है 400, यानी 3200 रुपया कमाया और उसके पास अभी बचा है कितना 400, यानी कितना खर्च किया होगा तो 2800। और फिर सी का, तो सी का आय है 2800 लेकिन बचत कितना किया है 800, यानी खर्च कितना किया होगा 2800 माइनस 800 यानी 2000। अब चलिए रेशियो में लाइए, सभी में तीनों में क्या कॉमन हो रहा है, देख रहे हैं दो दो जीरो कट रहा है, दो दो जीरो कॉमन हो रहा है, दो जीरो कट लीजिए और क्या कटेगा, तो दो से कटेगा, तो दो नवा 18, 14 दुना 28 और 10 दुना 20, और कुछ कॉमन होगा नहीं, तो यही रह गया रेशियो, यानी ए बी सी का खर्च का रेशियो कितना 9 14 10 का रेशियो, कौन सा ऑप्शन 9 14 10 यानी सी नंबर। ठीक है, देखिए ए बी सी आय का रेशियो से और रुपया का तुलना करके तीनों का आय निकाल लिए, फिर ए बी सी के बचत वाला रेशियो से, यानी बी का रुपया में बचत 400, तो बी का अनुपात में बचत कितना 2, अनुपात 2 बराबर 400, अनुपात 1 बराबर 200, तो निकाल सकते हैं 3 बराबर कितना 600, 2 बराबर कितना 400, 4 बराबर कितना 800, तो निकाल लिया आय बचत, तो आय में से बचत घटाए हैं खर्च, आय में से बचत घटाए खर्च, आय में से बचत घटाए खर्च, रेशियो निकाल लिए। आइए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है, उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है, यदि वे प्रति माह क्रमशः 1800 रुपया और 1600 रुपया, यानी 1800 और 1600 रुपया की बचत करते हैं, तो बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए, यानी 1800 रुपया का बचत कौन करता है ए और 1600 रुपया की बचत कौन करता है बी। ठीक है, तो चलिए इसको निकालिए, देखिए ए और बी 5:6 का रेशियो में आय है, आय और उनका व्यय का रेशियो यानी खर्च, खर्च का रेशियो कितना है तो 3:4 का रेशियो है। अब देखिए यहां पर, तो अगर ए का आय में से अगर बचत घटाएंगे तो क्या निकलेगा खर्च, बी का आय में से अगर बचत घटाएंगे तो क्या निकलेगा खर्च। ठीक है, देखिए अनुपात में से रुपया को तो नहीं घटा सकते हैं, इसको संख्यात्मक मान मिल लाइए, यानी एक निश्चित मान लाइए, तो मानते हैं ए का आय कितना 5x, तो बी का आय कितना जगह 6x लगाइए, ए का आय है 5x बटा बी का आय कितना 6x, ये आय ए का आय और ये बी का आय। अब आय में से बचत घटाइए, तो ए का बचत 1800, तो ए का आय में से अगर 1800 रुपया घटा लिए तो क्या निकलेगा ए का खर्च, और बी का आय में से बी का बचत घटाइए, तो बी का आय है 6x, तो बचत कितना का 1600 का, तो 1600 घटा लिए, तो ये निकल गया ए का खर्च और ये निकल जाएगा बी का खर्च, ये निकला क्या ए का खर्च, ए का खर्च और ये क्या निकलेगा बी का खर्च। तो बताइए अगर ए का खर्च बटा बी का खर्च करेंगे तो क्या निकलेगा रेशियो, और यह रेशियो किसके बराबर हो जाएगा 3:4 के बराबर हो जाएगा, यानी 3/4 के बराबर। अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो तिरछा तिरछी गुना कीजिए, यहाँ जाएगा 4×5=20, तो 20x माइनस 1872100 बराबर 6×18x माइनस 16×48100। 20x में से 18x आगे घटेगा तो कितना हो जाएगा 2x, अब माइनस 7200 उधर जाएगा तो प्लस में, तो 7200 में 4800 घटेगा तो कितना हो जाएगा 48 2 50 हो जाएगा, अब 22 उधर हो जाएगा 22 2 2400, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1200, x बराबर 1200। तो चलिए अब निकाल लेते हैं, तो बी की मासिक आय कितना, तो बी का आय, बी का आय
बी का आई कितना है 6x, 6 × 1200 यानी कितना हो गया 1276 रुपया, यानी बी का आई कितना हो गया 7200 रुपया, यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा डी नंबर, ऑप्शन डी 7200 रुपया। आइए हम लोग पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी की आय का अनुपात दोनों पद एक है, लगाइए ए और बी आय का रेशियो, आय का रेशियो कितना है 2:1। चलिए फिर आगे चलते हैं, वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं, यानी व्यय का रेशियो ए और बी के व्यय का रेशियो, व्यय ये व्यय यानी खर्च कितना है 5:3 का रेशियो। और आगे चलते हैं, और 4:1 में बचत करते हैं, यानी ए और बी का बचत का रेशियो, बचत का रेशियो कितना है तो 4:1, ये लिखे क्वेश्चन। यदि ए और बी दोनों की कुल मासिक बचत 5000 रुपया, देखिए दे दिया है कुल मासिक बचत का दिया है, ए और बी के कुल मासिक बचत, ए और बी के कुल मासिक बचत, बचत कहां पर है यहां पर, ए और बी के अनुपात में कुल बचत कितना जोड़िए 4 × 5 = 5 बराबर कितना कर सकते हैं 5000 रुपया, तो अनुपात 1 = कितना जाएगा तो काटिएगा तो 1000 रुपया। बताइए ए का बचत कितना निकल जाएगा तो अनुपात 4 = कितना 4000, अनुपात 1 = कितना 1000, यानी यहां से निकल गया ए का बचत 4000 तो बी का बचत कितना 1000। अब बताइए आय में से बचत घटाएंगे तो क्या निकलेगा खर्च, देखिए अनुपात में से संख्या को तो नहीं घटा सकते हैं यानी रुपया को, इसको संख्यात्मक मान में लाइए, ये कितना हो जाएगा 2x, तो ये कितना हो जाएगा x। बताइए ए 2x रुपया कमाया है उसमें से 4000 बचत किया है तो 4000 घटा लीजिए, 4000 रुपया घट गया तो क्या निकलेगा खर्च, और बी 100 रुपया कमाया है और बचत कितना किया 1000, यानी खर्च कितना किया होगा तो 1 − 1000, ये निकलेगा ए का खर्च, ये निकला बी का खर्च, ए का खर्च बटा बी का खर्च, ए का खर्च बटा बी का खर्च करना 5/3, अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो आ जाएगा 3 × 6x − 4 = 12000 बराबर, और एक्स माइनस 1000 में 5 से गुना आ जाएगा 5x − 5000, तो 6x में से 5x घटेगा तो कितना जाएगा 1x, अब माइनस 12000 उधर जाएगा तो प्लस में, तो 12000 में 5000 घटेगा तो कितना 7000। तो कह रहा है B की मासिक आय क्या है, तो B का मासिक आय कितना है x, तो B का मासिक आय, B का आय कितना है x, x बराबर कितना 7000, x बराबर कितना है 7000 रुपया, 7000 कहाँ है तो ऑप्शन ए नंबर, ऑप्शन ए। आइए हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं, तो छठा है क्वेश्चन नंबर, ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है, लिखिए ए तथा बी की आय, आय कितना के रेशियो में है 5:3। चलिए आगे दिया है ए बी एवं सी, अब कौन कौन आ गया, ए बी एवं सी के खर्चे 8:5:2 के अनुपात में है, यानी खर्च, खर्च यानी व्यय 8:5:2 के अनुपात में है। अब बोला यदि सी 2000 रुपया खर्च करता है, देखिए यहां पकड़िए क्या दिया है, सी 2000 रुपया खर्च करता है, सी क्या करा 2000 रुपया, तो देखिए खर्च कहां पर दिया, इसमें दिया है खर्च, इसमें है तो ये अनुपात में सी खर्च कितना 2 का, तुलना कीजिए अनुपात में सी खर्च किया 2 रुपया में कितना 2000, तो भाई अनुपात 1 काट के कितना जाएगा 1000, यानी अनुपात 8 कितना जाएगा तो 8000, अनुपात 5 कितना हो जाएगा 5000, और अनुपात 2 कितना हो जाएगा 2000, यानी ए का खर्च 8000, बी का खर्च 5000, सी का खर्च 2000। अब आगे पढ़िए, और बी 700 रुपया बचाता है, तो बी कितना रुपया बचाया है
700 रुपया, बी का बचत है 700, तो ए की बचत कितनी होगी बताइए। बी का बचत है 700, तो बी का आय कितना होना चाहिए, तो बी का आय कितना हो जाएगा, बी की आय निकालिए, बी का आय कितना बताइए। बी का खर्च है कितना 5000, बी का खर्च 5000 और बी का बचत कितना है 700, तो जोड़िएगा तो खर्च प्लस बचत, खर्च और प्लस बचत को जोड़िएगा तो क्या निकलता है आय, तो बी का खर्च और बी का बचत जोड़िए तो निकल गया आय, यानी कितना 5700, यानी 5700 रुपया बी का आय है। बताइए अनुपात में बी का आय कितना है 3, लगा सकते हैं अनुपात 3 बराबर 5700, अनुपात 3 बराबर 5700, अनुपात 1 बराबर कितना जाएगा 1950, 1900। बताइए ए का आय कितना हो जाएगा, ए का आय आ जाएगा, ए का आय कितना आएगा अनुपात 5, अनुपात 5 बराबर कितना 1995, 9500, 1950 कितना था 9500। अब निकालिए तो कह रहा है ए की बचत कितना, ए का बचत, ए का बचत हम लोग क्या जानते हैं, ए का बचत बराबर तो बचत आय माइनस खर्च, तो आय है ए का 9500, 9500 माइनस ए का खर्च कितना है 8000, 8000 तो 9500 में से 8000 घट जाएगा तो कितना देगा 1500, 1500 रुपया का हुआ ए का बचत, कौन सा ऑप्शन जाएगा तो 1500 रुपया ऑप्शन ए। आइए सातवां क्वेश्चन, अगर किसी कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों में 5:3 का अनुपात है तो निम्न में से कौन सा उस कक्षा में बच्चों की संख्या नहीं हो सकती है। देखिए यहाँ से टाइप चेंज कर गया है, ठीक है, बताए थे कि इस टाइप में तीन तरह का क्वेश्चन पढ़ना है, तीन टाइप का, यहाँ से टाइप चेंज कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका थोड़ा सा रूल समझिए, ठीक है, ये रूल क्या कहता है, तो रूल है कि ऐसे सारे वस्तु जिसकी संख्या को दशमलव के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता हो उसका अनुपातिक योग पूरी संख्या को अवश्य विभाजित करेगी। क्या रूल बताए हैं, ऐसे सारे वस्तु, ठीक है, ऐसे सारे वस्तु जिसकी संख्या को दशमलव के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता हो उसका अनुपातिक योग पूरी संख्या को अवश्य विभाजित करेगी, यानी उसकी संख्या को अनुपातिक योग, यानी अनुपात में जो रहेगा उसका योग संख्या को अवश्य विभाजित करेगा। देखिए दशमलव के रूप में किसको किसको नहीं लिख सकते हैं, जैसे लड़का लड़की, लड़का को दशमलव बोल सकते हैं, जब भी लड़का होता है तो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो यानी कुछ संख्या में, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि 2.5 लड़का, 3.5 लड़का या 2.75 लड़का, ऐसा नहीं होता है, लड़का पूरा पूरी। उसी तरह लड़की भी 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो कोई भी पूरा पूरा लड़की, तो होता है एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, लड़का लड़की को दशमलव नहीं लिख सकते हैं, कुर्ता पैजामा को नहीं लिख सकते हैं, सीसी बोतल को नहीं लिख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन आ सकता है लड़का लड़की वाला, सीसी बोतल वाला, कुर्ता पैजामा वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसे सारे वस्तु जिसकी संख्या को दशमलव के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता है उसका अनुपातिक योग पूरी संख्या को अवश्य विभाजित करेगी। देखिए लड़का और लड़की के संख्या का रेशियो कितना दिया है 5:3, बताइए इसका अनुपातिक योग कितना आएगा, 5:3 का योग कितना आएगा, तो 5 और 3 का कितना 8, यानी अनुपात 8, तो 8 जिसको जिसको काटेगा, ठीक है ना, 8 जिसको जिसको काटेगा वह लड़का और लड़की का संख्या हो सकता है और जिसको नहीं काटेगा वह नहीं होगा। तो बताइए ऑप्शन देखते हैं, 40 को 8 क्या काटेगा, काट देगा तो ये हो जाएगा, ठीक है, 96 को 8 काटेगा तो हो जाएगा, 150 को 8 काटेगा, नहीं 150 को 8 नहीं काटता है, तो पूछ रहा है बच्चों की संख्या नहीं हो सकता है तो कौन 150 नहीं हो सकता है, 150 को 8 नहीं काटता है,
और 24 को 8 कर देता है तो ये हो सकता है। तो 24 हो सकता है संख्या, 96 हो सकता है, 40 हो सकता है, लेकिन 150 नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, जिसको दशमलव के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसका अनुपातिक योग, अनुपातिक योग किसको काटेगा, तो संख्या को काटेगा। जिस संख्या को नहीं काटेगा तो नहीं कहेगा तो नहीं वाला चुनेंगे, हाँ वाला कहेगा तो हाँ वाला चुनेंगे। अगर ये कहता कि बच्चों की संख्या हो सकता है तो होने के लिए कौन 40, 96 या 24, लेकिन बोला है नहीं हो सकता है तो नहीं कौन 150। यानी 150 को अनुपात 8 नहीं काटता है, नहीं काटेगा, या लड़का और लड़की की संख्या पूरा पूरा नहीं हो सकता है, ठीक है, यानी 5:3 के अनुपात में नहीं हो सकता है, यही समझना है। आइए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या है, किसी स्कूल में कुल 372 विद्यार्थी है, यानी कुल विद्यार्थी है स्कूल में कितना 372, तो निम्न में से कौन स्कूल में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात नहीं सकता है। देखिए लड़का को दशमलव में नहीं लिख सकते हैं और लड़की के भी संख्या को दशमलव नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब इसका अनुपातिक योग जो होगा, यानी लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात जो होगा वो अनुपात का योग संख्या को काटेगा, ठीक है, संख्या को काटेगा, लेकिन बता अनुपात नहीं हो सकता है, इसका मतलब अनुपात का योग 372 को नहीं काटना चाहिए। तो बताइए अनुपात का योग कीजिए, 1 और 11 कितना 12, तो 12 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा पूरा पूरा कट जाएगा, तो हो जाएगा 1 और 3 कितना 4, तो 372 को 4 काटता है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 5 और 1 6, तो 6 कितना जाएगा जो कटेगा इसको, तो 6 6 36 काट देता है, ये भी होगा। लेकिन 3 और 8, 3 + 8 जोड़िएगा तो कितना 11, 372 को नहीं काटता, 11 नहीं काटता है, और नहीं काटेगा तो यह अनुपात नहीं हो सकता है, यानी बॉय और गर्ल का रेशियो 3:8 में नहीं हो सकता है, कितना की संख्या को 372 को, ठीक है। तो अनुपात का योग काटेगा तो होगा, नहीं काटेगा नहीं होगा। आइए नौवां क्वेश्चन देखते हैं। एक बक्सा में 9 दर्जन शीशे थे, यानी एक बक्सा है यानी एक पेटी है, और एक पेटी में कितना 9 दर्जन है, 9 दर्जन शीशा है, ठीक है। हम लोग जानते हैं 1 दर्जन बराबर कितना होता है, 1 दर्जन बराबर 12 पीस होता है, ठीक है, 12 पीस। भाई 9 दर्जन बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 दर्जन बराबर हो जाएगा 12 × 9 यानी कितना 108 पीस। यानी कह सकते हैं इसी को कि एक बक्सा में 9 दर्जन शीशा था, मतलब 108 पीस था। बक्सा के गिर जाने के कारण कुछ शीशे टूट गए, तो निम्न में से कौन सा अनुपात टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात नहीं हो सकता है। देखिए नहीं हो सकता है, अभी बताएं शीशा को अनुपात में और शीशा के टूटा हुआ और बिना टूटा हुआ का अनुपात में कौन नहीं होगा। हम लोग जानते हैं शीशा की संख्या को दशमलव में नहीं लिख सकते हैं, शीशा भी क्या होता है पूरा पूरा होता है, जैसे 2 सीसी की बोतल, 3 सीसी की बोतल, 4 सीसी की बोतल, सब पूरा पूरा, कभी सुने हैं 2.5 सीसी की बोतल नहीं, ठीक है, 2.5 बोतल नहीं होता है, उसमें कुछ क्वांटिटी भरा रहेगा तब भलू हो सकता है 2.5 बोतल भरा हुआ है, लेकिन बोतल की संख्या बोलेगा तो जब होता है तो पूरा पूरा। देखिए टूटा हुआ और बिना टूटा हुआ शीशा को जोड़ेंगे तो क्या होगा पूरा पूरा होने के लिए इसको काटना चाहिए, पर नहीं हो सकता है, तो जो 108 को नहीं काटेगा वो नहीं होगा, तो 7 और 2 कितना जाएगा 9, 9 108 को काट देगा तो ये हो सकता है, ठीक है। 3 और 1 4, 4 108 को भी काट देगा तो ये भी हो जाएगा, 3 और 1 कितना 4, ये भी हो जाएगा। 5 और 3 8, देखिए तो 8 इसको काटेगा तो 8 108 में भागा दिया तो नहीं काटेगा, 8 108 में 8 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरी नहीं काटेगा, ठीक है, तो ये नहीं होगा। नहीं, कौन सा ऑप्शन जा रहा है सी नंबर। और यहाँ देखिए 7 और 5 12, तो 12 जो है 108 को काट देगा, 12 108 को क्या होगा काटेगा, तो ये हो सकता है, तो कह रहा है नहीं होगा, नहीं होने के लिए कौन जा रहा है सी नंबर, ठीक है। आइए हम लोग दसवां क्वेश्चन देखते हैं। दसवां नंबर देखिए टाइप चेंज कर गया है, यानी आज का वीडियो में हम तीसरा टाइप पढ़ेंगे, ठीक है, आज के हम लोग वीडियो में ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन देखिए करा है।
एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 8:5 के अनुपात में कमी कर देता है और उनका वेतन 7:9 के अनुपात में बढ़ा देता है। परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारियों के वेतन की कुल राशि में क्या परिवर्तन हो जाएगा? देखिए, एक नियोक्ता है जो कर्मचारी की संख्या 8:5 के अनुपात में कमी करता है। देखिए 8:5 के अनुपात में क्या होगा? संख्या, कर्मचारी की संख्या, संख्या। देखिए इसको ऐसे पढ़ेंगे कि एक नियोक्ता यानी कंपनी का जो मालिक होगा वो कर्मचारी को कैसे भर्ती करता है? तो कह रहा है 8:5 के अनुपात में कमी करता है, यानी कह रहा है कि 8:5 के अनुपात में कमी मतलब हुआ कि पहले अगर 8 मजदूर काम पर लगाता होगा, यानी पहले अगर 8 को कम मजदूर को काम पर लगाता होगा तो अब कितना लगाएगा? 5 को, यानी अब मजदूर की संख्या कितना लगा? 5 को। देखिए पहले अगर 8 मजदूर को काम पर लगाता होगा तो अब कितना कर दिया? 5 को कर दिया, तो कम हो गया, यानी कितना कमी होगा? 3 का कमी हो गया होगा। यानी 8:5 के अनुपात में कमी मतलब क्या पढ़ेंगे? पहले 8 मजदूर काम करता है तो अब मजदूर कितना? 5 को, ठीक है। पहले 8 मजदूर काम पर लगाता होगा तो अब मजदूर कितना? 5 को, लेकिन उनका वेतन 7:9 के अनुपात में बढ़ाता है। तो अब देखिए मजदूरी यानी वेतन, यानी कर्मचारी को वेतन कैसे दे रहा है? अगर 7:9 के अनुपात में बढ़ा देता है, यानी कहने का अर्थ हुआ कि पहले एक मजदूर को 7 देता होगा तो अब एक मजदूर को कितना देने लगा? 9। तो वृद्धि कर गया ना, यानी पहले अगर एक मजदूर को 7 रुपया देता होगा तो अब एक मजदूर को कितना देने लगा? 9 रुपया। तो बताइए मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, यानी कुल वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा? कुल वेतन या कुल मजदूरी बोल सकते हैं, तो कुल वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले की तुलना करते हैं, पहले मजदूर की संख्या कितना? 8, यानी मजदूर 8 को काम पर लगाता है और एक मजदूर को पहले कितना देता है? 7। तो एक मजदूर को 7 देता है तो 8 मजदूर को कितना देगा? तो गुना कर लीजिए 8 × 7, 8 × 7 कितना? 56। यानी कर्मचारियों को पहले 56 रुपया देता होगा, यानी टोटल कर्मचारी को पहले कितना? कुल मजदूरी 56, लेकिन अब मजदूर की संख्या होगा 5 और एक मजदूर को देने लगा 9। तो भाई 5 मजदूर को कितना देता होगा? तो 9×5 = 45, यानी गुना कर लेना है सामने सामने वाला को। यानी पहले कुल मजदूरी 56 देना पड़ा था, लेकिन अब कितना देना पड़ा? 45 से देना पड़ रहा है। तो क्या हुआ? कमी ना हुआ, यानी पहले 56 रुपया खर्च करता होगा तो अब कितना कर रहा है? 45 रुपया, तो कमी हुआ, यानी ये क्या हो जाएगा? यानी 56:45 के अनुपात में कमी हो गया। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? 56:45 के अनुपात में कमी, यानी बी नंबर जा रहा है, ठीक है, बी नंबर। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछता है, आज जो भी टाइप का क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, आय व्यय खर्च वाला क्वेश्चन या तो फिर ऐसे सारे वस्तु जिसकी संख्या को दशमलव के रूप में नहीं दर्शाया सकता है उसका अनुपातिक योग पूरी संख्या को अवश्य करता है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में हमेशा, और ये वाला कर्मचारी की संख्या को कमी करेगा या वृद्धि करेगा तो उसके रूप में मजदूरी को कमी या वृद्धि करता है, तो कुल मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तरह क्वेश्चन। यानी आज का जो टाइप है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, यानी इससे क्वेश्चन हमेशा पूछित रहता है। और आप एक बात पर ध्यान रखिए कि GD क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो अगर मैथ पूरा ईमानदारी पूर्वक पढ़ते हैं तो इसके बाद आप जो भी एग्जाम दीजिएगा मेहनत करके उससे आपको एक क्वेश्चन भी अलग नहीं पूछेगा, यानी एकदम इसी प्रकार से क्वेश्चन रहेगा और आपसे कम संभावना है कि क्वेश्चन छूट जाए, ठीक है। इसीलिए आप ध्यान से पूरा वीडियो को देखिए और पूरा समझ के एक क्वेश्चन को समझ करके रिवीजन कीजिए और बनाइए इसको। अगर पूरा हमारा या आज तक के 8 वीडियो निकल चुका है रेशियो का, एक वीडियो और बनेगा, कल जो वीडियो बनेगा लास्ट हो जाएगा रेशियो का। इसके बाद अगर 9 वीडियो आप रेशियो का पढ़ लेते हैं पूरा तो आपको कम ही संभावना होगा कि क्वेश्चन छूट जाए एग्जाम में। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसा कौन टाइप का क्वेश्चन नहीं बताया गया है जो आपसे न बने, यानी पूरा पढ़ने के बाद आपको हर एक प्रकार के क्वेश्चन बनेगा।
देखिए ग्यारहवां क्वेश्चन है, यदि किसी आयत के लंबाई में 6:7 के अनुपात में वृद्धि, देखिए एक आयत है ठीक है, उसकी लंबाई में क्या कर रहा है 6:7 के अनुपात में वृद्धि करता है, 6:7 के अनुपात में वृद्धि, इसका मतलब क्या पढ़िएगा, यानी एक आयत का लंबाई पहले अगर 6 होता होगा तो अब कितना होगा 7, तो कुछ भी यूनिट ले सकते हैं, मीटर मीटर या सेंटीमीटर सेंटीमीटर। मान लीजिए कि एक आयत का लंबाई पहले अगर 6 मीटर रखता होगा तो अब कितना कर दिया 7 मीटर, यानी अब कितना कर दिया 7 मीटर। उसकी चौड़ाई 5:4 के अनुपात में कमी हो जाए, और चौड़ाई जो है वो क्या कर रहा है 5:4 के अनुपात में कमी, यानी अगर पहले उस आयत का चौड़ाई 5 मीटर होता होगा तो अब कमी करके कितना कर दिया 4 मीटर का, तो कह रहा है उसके क्षेत्रफल में किस अनुपात में कमी हो जाएगी या हो जाएगा, बताइए क्षेत्रफल बराबर आप क्या पाते हैं आयत का, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, देखिए एल गुना बी, तो पहले क्षेत्रफल कितना, तो पहले लंबाई 6 और चौड़ाई 5, तो कितना देगा 6×5=30, अब लंबाई 7 और चौड़ाई कितना 4, तो 7×4=11, तो बताइए पहले गुना करना है ना 7×4=28, 7×4=28, अब इसको काटिएगा रेशियो में, तो 15×30 और 14×28, यानी 15:14 के अनुपात में क्या हो जाएगा के अनुपात में कमी हो जाएगा, के अनुपात में कमी, यानी पहले क्षेत्रफल 15 तो अब कितना क्षेत्रफल 14 हो गया, यानी क्या हो रहा है कमी हो रहा है, 15:14 के रेशियो में कमी हो रहा है क्षेत्रफल। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, करा एक कंपनी ने मुद्रास्फीति का रहा यहां महंगाई हो रहा है, तो महंगाई के समय में अपने कर्मचारियों को 5:3 के अनुपात में कम किया तथा औसत वेतन प्रति कर्मचारी को 7:8 के अनुपात में बढ़ा दिया, ऐसा करने से कंपनी को 55,000 रुपया की बचत हुई, कंपनी की प्रारंभिक व्यय कितना है। देखिए इसी तरह क्वेश्चन है जो बताए थे 10वां 11वां नंबर क्वेश्चन, 10वां 11वां जो भी हो, देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है ईमानदारी पूर्वक तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ठीक है, और लाइक और कमेंट तो करना भूलना ही नहीं, लाइक और कमेंट जरूर से जरूर करना है ठीक है, तो लाइक और कमेंट बहुत जरूरी है, और हो सके तो शेयर जितना से जितना अधिक कीजिए, फेसबुक पर ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर जो भी हो आपके पास सुविधा, व्हाट्सएप पर उस पर इस वीडियो को पूरा से पूरा शेयर कीजिए। तो चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं, करा एक कंपनी ने मुद्रास्फीति के समय में अपने कर्मचारियों की संख्या को 5:3 के अनुपात में कम कर दिया, देखिए 5:3 कमी किया, क्या चीज में, संख्या में, कर्मचारियों की संख्या में, इसका मतलब क्या सकता है, पहले अगर 5 कर्मचारी को काम पर लगाता होगा तो अब कर्मचारी कितना काम करने लगेगा 3, वो कमी नहीं हुआ, पहले 5 मजदूर काम पर लगाता होगा लेकिन 5 मजदूर को काम पर नहीं लगा के 3 मजदूर को काम पर लगा दिया ठीक है, तो क्या हुआ 5:3 के अनुपात में कमी। अब कह रहा है उसका प्रति कर्मचारी को 7:8 के अनुपात में वेतन बढ़ाता है, यानी उसका वेतन क्या है, वेतन 7:8 के रेशियो में बढ़ाता है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर पहले प्रत्येक कर्मचारी को वेतन अनुपात 7 देता है तो अब प्रत्येक कर्मचारी को कितना देने लगा 8, तो कुल मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये निकालिए कुल मजदूरी, यानी कुल वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए पहले मजदूर की संख्या था 5 और एक मजदूर को देगा 7, तो 5 मजदूर को कितना देगा 7×5=30, अब मजदूर की संख्या हो गया 3 और एक मजदूर को दे रहा 8, तो 3 मजदूर कितना देगा 28=24, यानी क्या हुआ 35:24 के रेशियो में क्या हुआ कमी होगा, यानी अगर कंपनी को पहले कुल खर्च कितना होता था 35 तो अब कुल खर्च कितना रहा 24, तो बताइए बचत कितना का हुआ, तो दोनों घटाइएगा ना, तो 35 में से 24 घटेगा तो कितना 11:1, तो 11:1 का बचत हुआ, लेकिन रुपया में कितना का बचत हुआ 55,000 का,
कितना 55,000 का। तो बताइए कि अनुपात एक बराबर कितना जाएगा, 11 × 55 5,000 रुपया। तो कह रहा है कंपनी की प्रारंभिक व्यय कितना, तो प्रारंभिक व्यय कितना 35। तो यहाँ लिखिए प्रारंभिक व्यय, प्रारंभिक प्रारंभिक व्यय, तो प्रारंभिक व्यय कितना अनुपात में 35, अनुपात 35, अनुपात 1 = 5,000। तो 35 बराबर कितना, 5 से गुना कीजिए पहले, 25 × 5 = 2 5 × 15 = 17। और कितना जीरो है, 3 जीरो, 3 जीरो, ठीक है, कितना जीरो है, 3 जीरो। यानी प्रारंभिक व्यय कितना था, तो कह सकते हैं 1,75,000 रुपया। ये कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी नंबर, ठीक है, सी नंबर। तो चलिए आज तक इतना रहने दिया जाए, कल रेशियो का लास्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रुपया वाला क्वेश्चन, यानी पैसा वाला क्वेश्चन, और फिर पढ़ेंगे डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन। धन्यवाद।